द्रुपद दुलारी की, द्रुपद दुलारी की निहारी जब भीषण पीर। द्रुपद दुलारी की निहारी जब भीषण पीर। सारी बीच दीनी लगाए लाख सारी है, सारी बीच दीनी है लगाए लाख सारी है। नीली हरी पीली जाफरानी मुल्तानी लाल, नीली हरी पीली जाफरानी मुल्तानी लाल। आसमानी बदामी को कपाशी रंगी कारी है, आसमानी बदामी को कपाशी रंगी कारी है। ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच, ढेर के ढेर आज लागे हैं सभा के बीच। खेचत भुजाएं दुशासन की हारी है, सब ही पुकारी रहे आज ये सभा के बीच, सब ही पुकारी रहे आज ये सभा के बीच। सारी बीच नारी है की नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है की नारी बीच सारी है। ताको कुका करी सके जो सहाय रघुबीर, दस सहस्र गज बल घट्यो और घट्यो न दस गज चीर। द्रौपदी की लाज रक्षा की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और श्रोताओं को बड़ी सुंदर सुदामा चरित्र की कथा सुनाई। कृष्णस्याशीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं महाराज श्री सुदामा जी। कश्चित शब्द लिखा, सुदामा नाम भूल गए, भाव विवल है, अन्य ग्रंथों से सुदामा शब्द लिया गया। कृष्णस्याशीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है। विरक्ता है ये गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ होते भी विरक्त हैं, गृहस्थ होते भी सन्यासी हैं। इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा, इंद्रियों के विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनको आकर्षित नहीं करते। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा वाले जितेंद्रिय है महाराज श्री सुदामा। ये गृहस्थ होते हुए भी जितेंद्रिय हैं। जो उपाधि हनुमान जी को मिली ब्रह्मचारी हनुमान जी, वही उपाधि सुदामा जी को गृहस्थाश्रम में मिली जितेंद्रिय। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, रहते गृहस्थाश्रम में है, ईश्वर इच्छा से जो प्राप्त हो जाता है, दान में जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट है। कभी किसी के द्वार भिक्षा मांगने नहीं गए महाराज को, जो दान में प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान लेना, दान देना। और ऐसे यदृच्छयोपपन्ने, ईश्वर इच्छा से जो प्राप्त हो जाए अयाचित मृत्यु से, उसी में संतुष्ट रहने वाले सुदामा जी हैं। वर्तमानो गृहाश्रमी, तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विधा। तस्य कुचैलस्य भार्या, कुचैलस्य ये पुल्लिंग शब्द, सुदामा जी के वस्त्र फटे हैं, कुचैल हैं। और भार्या च तथा विधा, प्राचीन पतियों में पाठ है, तस्य भार्या कुचैला च। वो सुशीला जी के वस्त्र बड़े कु माने खराब, चैल माने वस्त्र, फटे वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र धारण करती हैं। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा, बड़ी ही कृशगात हैं, दुबली पतली हैं,
तथा विधा आभूषण रहित है लेकिन पतिव्रता है। एक ही धर्म एक व्रत नीमा, एक ही धर्म एक व्रत नीमा, ताय वचन मन पति पद प्रेमा, ताय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान की भक्ति दोनों ही करते हैं, सुदामा जी भी सुशीला भी, पुत्र भी है परिवार भी है, भजन करते हैं भजनानंदी, हर स्थिति में प्रसन्न है। जाही बिजराते राम ताही बिज रही है, बड़े प्रसन्न भजनानंदी। धीरे धीरे युवावस्था बीत गई, पूर्णावस्था बीत गई, वृद्धावस्था आ रही है, चौथा बनाने वाला है। उस समय एक दिन द्वारकाधीश ने प्रेरणा की कि सुदामा जी ने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, ये तो विरक्त ज्ञानी भक्त है। सुशीला जी के हृदय में प्रेरणा की कि सुदामा जी को आप हमारे पास भेजें, हमारे बाल सखा हैं, इतने निर्धन हैं, मैं लक्ष्मीपति हूँ, क्या कहेगा संसार, लक्ष्मीपति का मित्र दुखी है, ये कलंक हमसे सहा नहीं जाता। इसलिए भगवान ने सुशीला के हृदय में प्रेरणा की। तो पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदने न सा, दरिद्रासीद माना सा वेपमाना भिगम्य च। अब तो देवी सुशीला ने हाथ जोड़ करके पतिव्रता देवी ने विनती की, महाराज ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रिया पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। आप भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं, एक ही पाठशाला में पढ़े हैं, ये बात आपने कई बार बताई है, आप द्वारिका चले जाएं, भगवान द्वारकाधीश इतना दे देंगे। तमुपई ही महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविडं भूरी सीदिलेते कुटुंबिने। द्वारकाधीश के पास आप चले जाएं, दास्यति द्रविडं भूरी, वो इतना धन दे देंगे, सीदिलेते कुटुंबिने, आपके परिवार का पोषण सुचारुता से होगा। सुदामा बोले, देवी तुम क्या कह रही हो, किन वर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टा जगद्गुरु। देवी मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो जगतगुरु हूँ, ब्राह्मणों हम जगतगुरु, मैं जगतगुरु ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण जगतगुरु है, जन्मना ब्राह्मण गुरु, ऐसे जगतगुरु ब्राह्मण को तुम कृष्ण के यहाँ याचना करने के लिए भेज रही हो, वो भी जगतगुरु है, मैं भी जगतगुरु हूँ, मैं याचना करने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, महाराज आप याचना करने न जाए तो दर्शन करने का विभाव आपके हृदय में क्या नहीं होता, आप दर्शन करने चले जाए। सुदामा बोले, धन्य हो देवी, आज कृष्ण के दर्शनों का स्मरण तुमने करा दिया, वही धन्य है जो भगवान कृष्ण की याद करा दे, वो अपना है, सुहृद है, सखा है, गुरु है, वही जननी है, वही तात है जो भगवान का स्मरण करा दे। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान कृष्ण का दर्शन मेरे जीवन का परम लाभ है। लेकिन देवी हमने वेद में पढ़ा था, आचार्यवान पुरुषो वेद समितपाणी गंतव्यम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कुछ पत्र पुष्प होने चाहिए भेंट के जाने के लिए के पास, घर में कुछ भेंट हो तो तैयार करो, चार चावल भी नहीं है। सुशीला गई पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से, याचित्वा चतुरो मुष्टीन तावत प्रथुक तंडुलान, चार मुट्ठी चावल ले आई हैं, अलग अलग घरों के हैं तो अलग अलग किस्म के हैं, और उन्हें एक फटे वस्त्र में बांध दिया, चौपट करके पोटली सुदामा जी ने बगल में दबाई। सतानादाय विप्राज्ञः प्रयोग द्वारिकां किलो कृष्ण संदर्शनम मह्यं कथम स्यात् इति चिन्तयन्। पुटली कांख में दबाई, भगवान कृष्ण में कैसे मिलेंगे, बड़ी दूर है नगरी, आज जहां पोरबंदर है वही पहले सुदामापुरी थी, गुजरात में काठियावाड़ में पोरबंदर है तो वही सुदामापुरी थी, वहां से द्वारका प्रभास जाना है, कैसे भगवान प्राप्त होंगे, भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, गाते हैं जाते हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने रामा, रामा 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 रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 जाते हैं जाते हरे कृष्ण रामा, जाते हैं जाते हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बोले द्वारकाधीश भगवान के, एक योजन भी नहीं चल पाए, बड़ा दुर्बल शरीर है, थककर बेहोश हो गए एक वृक्ष के नीचे। उस समय भगवान ने कहा, मेरे सखा सुदामा जी आ रहे हैं, योग माया तुमने उठा करके द्वारका के पास, द्वारका के मध्य उपवन है उसमें लिटा दो। आज द्वारका के मध्य उपवन में सुदामा जी को योग माया ने लिटा दिया है। सुदामा जी की दृष्टि खुली, मीलों सागर लहरा रहा और सुंदर 16,000 आठ गगन चुंबी महल सुदामा जी ने देखे। बोलो द्वारिका धाम की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित देख रहे हैं। गृहम दुष्ट सहस्राणाम महिषीणाम च भारत विवेशैकतम श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा। सुदामा जी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए। द्वारकावासियों से पूछा, भैया द्वारकाधीश के का महल कौन है? कहे, सभी महल द्वारकाधीश के हैं। गगनचुंबी अट्टालिकाएं ये सब द्वारकाधीश की हैं। बीच में रुक्मिणी महल है, आज भगवान रुक्मिणी महल में हैं और सभी 16,000 आठ रानियां भी वहां उपस्थित हैं। आज भगवान का पूजन हो रहा है। सुदामा जी बोले, दोनों ही मिल लेंगे। नहीं ब्राह्मण देवता, आज रात महल में प्रवेश निषेध है। बोले, वो प्रवेश निषेध क्या हमारे कारण हो गया? बोले, नहीं, वो इस वर्ष में एक बार लगता है। बोले, वो तो हम जानते थे, हमारा दुर्भाग्य आगे चलता है, हम उसी दिन आए जिस दिन प्रवेश निषेध होता है, है? सुदामा के दुर्भाग्य आगे चल रहा है। अरे, प्रवेश निषेध तो अन्य लोगों के लिए है, हम उनके मित्र हैं। मित्र के लिए राजा से थोड़े मिलने आए, तो मित्र से मिलने आए। मित्र से मिलने में प्रवेश निषेध नहीं होता। सुदामा जी चल पड़े। लोग सोच रहे, कैसा बावरा है ब्राह्मण, प्रवेश निषेध नहीं मान रहे, चले जा रहे हैं। पहुंच गए रुक्मिणी महल में। तीन जगह ड्योढ़ी पर पहरा लगा था, तीन गुलमान्य त्रियाय तीसरा कक्षा सद्दुजा। पहली ड्योढ़ी पार कर गए, द्वारपाल देखते रह गए, पूछा नहीं सुदामा ने, भीतर घुस गए। दूसरी ड्योढ़ी पार कर गए, तीसरी ड्योढ़ी पर द्वारपालों ने कहा, महाराज प्रणाम। महाराज कौन है? बोले, हम सुदामा पांडे हैं। बोले, पांडे जी आप डांडे पर विश्राम करो। वो बना हुआ है सुंदर अतिथिशाला, वहीं विश्राम कीजिए। महाराज आज जो है, आज भगवान नहीं मिलेंगे। बोले, हम बड़ी दूर से आए हैं, उनके सखा हैं। अब नक्शे सिक तक देखें, सखा के कोई लक्षण तो नहीं। सूखा शरीर है, उसका फटे वस्त्र है। सुदामा बोले, द्वारपालो, तुम नक्शे सिक तक क्या देख रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं कि उनके सखा? व्याकरण पढ़े हो? समाना ख्याति यस्या सखा।
जिसकी ख्याति समान हो वो सखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, हम तो जन्म जन्मांतर के सखा हैं। अब द्वारपाल कुछ दबके, यह ब्राह्मण ज्ञानी पढ़ा लिखा है, तो सुदामा जी बोले द्वारपालो तुम्हें ये नहीं मालूम, हम और हमारे मित्र कृष्ण दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे और गुरु जी की गायें चराते थे, और जब गुरु जी की गायें चराते थे धूप तेज हो जाती थी, कन्हैया कहते थे भैया तुम ब्राह्मण कोमल शरीर के हो तो तुम बैठो छाया में, हमें छाया में बैठा कर धूप में मेरे कन्हैया वो गौएं चराया करते थे, हम तो छाया में बैठे रहते थे। द्वारपाल बोले इनका शरीर छाया में बैठने वाला तो लग नहीं रहा, सुखा तो गए। द्वारपाल हो तुम हंसी बहुत कर रहे हो, है तुम्हें नहीं मालूम हम और हमारे मित्र कृष्ण शाम को गुरु जी के चरण जरूर दाबते थे, और जब चरण दब जाते थे कहते जाओ विश्राम करो, सोने के पहले कृष्ण हमारे चरण जरूर दाबते थे। द्वारपाल बोले अब तो धरती खिसकी जा रहा, इनके चरण भगवान दाबते होंगे। सुदामा बोले कहियो कन्हैया सोमोरी बात, कहियो कन्हैया सोमोरी बात, एक साथ जिनके की पढ़े थे, एक साथ जिनके की पढ़े थे, भाग्य लेख कुछ अलग पढ़े थे, भाग्य लेख कुछ अलग पढ़े थे, भाग्य से नाही कछु विषात, भाग्य से नाही कछु विषात, कहियो कन्हैया सोमोरी बात, कहियो कन्हैया सोमोरी बात, बालापन के मीत सुदामा, बालापन के मीत सुदामा, द्वार खड़े तेरे घनश्यामा, द्वार खड़े तेरे घनश्यामा, ढेर रहे हैं तुमको तात, ढेर रहे हैं तुमको तात, कहियो कन्हैया डरता डरता वृद्ध द्वारपाल गया और कहा भगवान सुदामा पांडे आपके सखा आए हैं कैसे हैं, शीश पगान जगातन में प्रभु जाने कुआही बसे के ही ग्राम, जाने कुआही बसे ही ग्राम, की फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपानहु की नहीं सामा, पाए उपानहु की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, द्वार खड़ो दुज रहो चकिसो वसुधाय भिरामा, रहो चकिसो वसुधाय भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत सुदामा। भैया आ गए, दौड़ पड़े भगवान, तम दृष्ट्वा अच्युतो दूरात प्रिया पर्यंकमा स्थिता, सासोत्थाय चाभेत दुर्भ्याम परगृहीन मुदा। भैया आ गए, सुदामा भैया आ गए, दौड़ पड़े भगवान, धाये सुदामा को नाम सुनत, ये पट पीत गिर्यो भुई नाही समार्यो, धाई मिले दुज देव सो दौरी के,
नीरज नैन सो नीर बहायो मयंक पुलक तन आज ब्रजेश ने उस दीन से द्विज को कंठ लगायो नैन दो जल भरी पूछी कुशल हरी जग में दीन बंधु नामंज धरायो दोनों भुजाओं में भरकर उठाकर हृदय से लगाया लेकर भीतर भागते हुए गए प्रिया पर्यंकम आस्थिता देवी रुक्मिणी के रत्न जटित पर्यंक पर बैठा दिया और कहा रुक्मिणी तुम चमड़ डुलाओ सत्यभामा तुम जल ले आओ मित्र बिंदा पारात ले आओ मणियों के फर्श पर भगवान बैठ गए और विप्रदेव का चरण कमल अपने कर कमलों में ले लिया शख्यु प्रियस्य विप्ररुषे अंग संगाति निवृता प्रीतो विमुंचद अब्द बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करी क्षण अब तो देखा विप्रदेव के चरणों से रक्त बह रहा बिमनिया फटी पुष्कात फटे वस्त्र पहने देख विप्रवर को इस दीनहीन दशा में श्याम को गुरुकुल की पावन याद आ गई पढ़ते थे एक साथ भ्रातृ प्रेम अति पावन था मानो संस्मृति सुधा सरस आ गई भर के अनुराग जलपात्र मंगवाए बेगी विप्र चरण धोने की भावना समा गई लेकिन बिलो के जब कंटक वृणांकित चरणों तो श्याम के नैनों में श्याम घटा छा गई श्याम के नैनों में श्याम घटा छा गई रानियां रोने लगी और कहती है सखी जीवन में पहली बार सखी आज हरि रोए विप्र सुदामा के हरि ने अश्वन से पग धोए विप्र सुदामा के हरि ने अश्वन से पग धोए अश्वन से पग धोए पानी परात को धरयो ही रहो नैन से घनश्याम नीर बरसाते हैं धोते हैं अश्रुओं से पदाम्बुज विप्रदेव के और करुणा के बिंदु करुणा सिंधु बरसाते हैं विप्र चरणों को बिलो के कृपालुता से हा हा खाए अति ही व्याकुल हुए जाते हैं धोते हैं आंसुओं से पदाम्बुज विप्रदेव के इसी से जग में दीन बंधु कहे जाते हैं और वो चरणोदक भगवान ने अपनी उजली में लेकर शिरोधारण किया शिरोधार्य किया जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई हैं उन गोविंद ने ब्राह्मण के चरणोदक को सिर पर धारण किया और विश्व को बताया कि ब्राह्मण उन्हें कितने प्रिय हैं वंदनीय हैं बड़ा स्वागत सत्कार हुआ सुदामा जी का और भगवान ने कहा भैया अभी ब्रह्मण गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्युढ़ा सदृशी नव गुरुकुल से विद्या पढ़ने के बाद जब आप घर लौटे थे तो आपने किसी ब्राह्मणी से विवाह किया था भाभी हमारी हैं सुदामा बोले हम इतनी दूर चल के आए हमारे विषय में एक शब्द नहीं पूछा भाभी कुशलता पूछ रहे हो तुम्हारा स्वभाव नहीं गया बोले आप तो हम जानते हैं भाभी को कभी जाना नहीं देखा नहीं तो बताओ बताओ भाभी कैसी है क्या बोले ठीक है भाभी तुम्हारी लेकिन एक बात है जो भी हो वो स्मरण तुम्हारा नित्य करती रही जब से हमने परिचय दिया और अब ये उन्होंने ही प्रेरणा दे करके भेजा प्रेरणा स्रोत तुम्हारी भाभी है तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए तो कहा भाभी ने कुछ भेंट जरूर दी होगी तो सुदामा जी ने जो पोटली थी वो कांख में छिपाई वो देना नहीं चाहते पोटली नहीं देना चाहते तो उस समय पर अब कहा यहाँ चिड़िया मेवा नहीं खा रही टूटे से चावल खिला दें रानिया क्या कहेंगी तो भगवान मन ही मन सोचते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रश्नामि सदैव प्रयतात्मनः प्रेम से पत्र पुष्प फल जल से जो भोग लगाते हैं
भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं हमें भाव प्रिय है, हम तो भाव के भूखे हैं, लेकिन सुदामा जी देना नहीं चाहते हैं। कहा भैया भाभी ने कुछ दिया नहीं, क्योंकि भाभी कुछ भूलनू है। कहा भाभी भूलनू है कि तुम भूलना? बोले हम कभी कुछ भूले? बोले हाँ भूले थे एक बार। बोले कब? बोले स्मरण करो। अपिन स्मरते ब्रह्मन् व्रतम् निवस्ताम् गुरुः गुरुदारेषु उदितानाम् इन्धनानेन क्वचित्। स्मरण करो, एक बार गुरु माता ने ईंधन लाने के लिए भेजा था, वो स्मरण करो। सुदामा सोच रहे कब की गड़ी बात उखाड़ रहा है, कब बचपन की बात है, पुरानी यादें ये उखाड़ रहे हैं। देखो प्रविष्टानां महारण्यं अपृतौ सुमद्विजय वातवर्षम भूति ब्रह्म निष्ठुरास्तयमेव। घनघोर वन में जब पहुंचे तो वहां पर घनघोर वन में जाते हुए आंधी आ गई, पानी बरसने लगा। और जब आंधी पानी आ गया तो हम कहीं अलग हो गए, आप कहीं अलग हो गए, और चना वाली पोटली आप ही के पास थी। तो उस समय पर आपने सब चना चबा लिए थे क्रमशः धीरे धीरे। आखिरी दाना कुटक रहे थे, हमने कहा भैया हमें भी चना दीजिए। तुमने कहा आंधी पानी हम रपट गए, चना हूं कहीं रपट गए। बोले दांतों में कुछ कुटुट कुटुट कर रहे हो, तो आपने कहा था हमारी ठंडी की किटकिटी बज रही। स्मरण है? सुदामा कहते तुमने हमारा पूरा इतिहास सुना दिया, अब तुम्हारे जीवनी का बाल कांड का एक पन्ना हम भी बांचेंगे। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। तो भगवान घबराए कि माखन की चोरी ये सुनाएंगे, तो पांव दाबने लगे। भैया आप थक गए हो, सोच रहे रानियां उपहास करेंगी, पैर दाबने लगे। सुदामा जी ने सोचा ठीक नहीं, अभी पैर दाब रहे हैं, चलो क्षमा करो, कोई बात नहीं है। रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी देवी तुम चरण डुलाओ। रुक्मिणी देवी चरण डुलाने लगी और भगवान जो हैं वो चरण दाबने लगे। जब चरण दब गए बोले लाओ हाथ भी दाब दें। बोले हाथ हमने क्या करो, हाथ नहीं थके, इन्हें न छुओ। बोले नहीं हाथ तो जरूर दाबेंगे। तो बोले दाहिना दाब दो। जब दाहिना दब गया बोले बायां। बोले बायां न छूना, इसमें इसमें फोड़ा है। बोले फोड़ा की अवस्था देखें। बोले उसकी अवस्था की व्यवस्था यही है कि बस छुओ ना। और जो ही उठाया तो वही पोटली गिर पड़ी। जीरण पट फटी छुटी परे बिथर गए ते ठोर। भगवान ने उसमें एक मुट्ठी चावल लिया और चबाया, तो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रात प्राकाम मिश्रित वशुत्व कुंद मुकुंद कच्छप नील खर्व ये सब सिद्धियां सिद्धियां कांप उठी। एक मुट्ठी चावल चबाने की कथा भागवत में है। एक मुट्ठी, अब तो एक मुट्ठी चावल में दो लोग दे दिए भगवान ने। देवी रुक्मिणी दूसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले देवी तुमने दान देते समय मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए कलयुग में तुम्हें घर घर जाना पड़ेगा। सुदामा ने कहा जहां लक्ष्मी जाएगी उसे दान करेंगे तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। कलयुग में दान की बड़ी महिमा है, जो दान करता है कलयुग में उसे वैकुंठ मिलता है, ये विशेषता। अब तो भक्तों सुदामा जी रात्र में जय श्री कृष्ण कहते हुए विश्राम करते रहे। प्रभात हुआ, भगवान ने कहा सेवा का अवसर दीजिए। बोले बड़ी कृपा है कि नहीं है तुम्हारी, सब प्रकार आनंद है। कुछ अपनी बात अपनी दीनता का वर्णन नहीं किया सुदामा जी ने। राजमहलों का वैभव सुदामा जी उसमें लिप्त नहीं है, असंप्रक्त है। जैसे भरद्वाज जी के आश्रम में महाराज भरत जी संपति चकई भरत चक मुनि आये से खिलवार ते निश आश्रम पिंजरा राखी भा भिलुषा। तो बोले रानियां सेवा करेंगी। बोले जल्दी सेवा करवाओ चलेंगे। अब 16,008 रानियां सब एक एक कलसा शीतल जल लेकर स्नान कराने आई। तो जब स्नान कराने आई तो उस समय माह का महीना था। सुदामा जी ने सोचा 10-20 हूं घड़ा धार बांध के छूटे तो गोविंदाय नमो नमः। तो किंचित उष्ण जलेन स्नापयाम, थोड़े उष्ण जल में स्नान किया। इसके बाद 16,008 थाल भोजन
थोड़ा थोड़ा सुदामा जी ने खाया, पूर्ण हो गए। अब 16,008 चरण छू रही। सुदामा जी कह रहे आयुष्मती सौभाग्यवती कल्याणवती पुत्रवती भव। कहते कहते वाणी अवरुद्ध, अब हाथ हिला हिला के आशीर्वाद दिए, विदाई हुई। सुदामा जी कहते आ रहे क्वाहम दरिद्रा पापियान व कृष्ण श्री निकेतन, काम इतना निर्धन ब्राह्मण कहाँ कृष्ण की इतनी अहित तो कृपा। आए बड़ी देर में सुशीला जी को पहचान पाए हैं, लक्ष्मी जी की भांति आई सुदामा जी का स्वागत करने। बड़ी देर में पहचान पाए, महल में गए दो लोक का वैभव भरा है। नूनम बतई तन मम दुर्भगत से शश्वत दरिद्र से समृद्धि हेतु महाविभूते रवलोक तोन्यो नैवो पपद्येत यदुत्तमस्य। काम इतना निर्धन था कहाँ कृष्ण की इतनी कृपा, बिना मांगे दो लोक का वैभव दे दिया। जिमि सरिता सागर महाजाई, जिमि सरिता सागर महाजाई, यद्य पिताही कामना नाही, यद्य पिताही तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील भिग जाहि सुभाए, धर्मशील भिग जाहि सुभाए। बोले कृष्ण भगवान की जय। एकादश स्कंद प्रारंभ करते सुखदेव जी ने कहा कृत्वा दैत्य वधम कृष्णः शरामो धीरव्रतः। भगवान कृष्ण ने भूमि भार उतारा, फिर सोचने लगे मेरे सुधाम का मनोपरांत 56 करोड़ दुबंशी भूमि भार हो जाएंगे तो इन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। और उस समय भक्तों उन्होंने एक लीला की, द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में दुर्वासा शिष्य मंडली के समेत आ गए। यदुवंशी बालकों ने जामवंती के पुत्र शाम्ब को नारी बनाया, पेट पर कपड़ा बंधवाया, घूंघट मरवाया और जाकर दुर्वासा से बोले ऐसा पृच्छति वो विप्राह अंतर्वतन्या असिते क्षणा, ये वधु गर्भवती है आप बताएं इसके क्या होगा। दुर्वासा क्रोध में भर गए और बोले जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, लोहे का मुसल पैदा होगा। खोला तो उधर लोहे का मूसल, उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया, एक टुकड़ा मछली निकल गई। और उस समय पर वो मछली टुकड़ा जो निकल गई है जरा नाम के व्याध ने बाण के गर्भाग में लगाया। इस बीच में महाराज वसुदेव नारद संवाद है, नारद जी ने वसुदेव को नौ योगेश्वरों का संवाद सुनाया है महाराज, जिसमें कवि हरि आदि ने कर्मयोग भक्ति ज्ञान वैराग्य अवतारों का सुंदर वर्णन किया है। पर्व के दिन गए हैं यदुवंशी स्नान करने, दो तीन श्लोक सुनाई देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यतेत सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत। मन से वाणी से कर्म से इंद्रियों से स्वभाव से जो करो सब नारायण को अर्पण कर दो। मन्ने कुतस्यदम अभयम् अच्युतस्य पादाम् भुजोपासनमत्र नित्यम् उद्युग्न बुद्धे रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। भगवान कृष्ण के चरणों का निरंतर ध्यान ही अभयता है, मोक्ष देने वाला है। निरंतर हर स्थिति में भगवान का ध्यान करो। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दुत चित्त उच्चै हसत्यथो रौदिति रौति गायति उन्मादवति पश्यति लोकभाग्यः। भगवान की कथा भावपूर्ण सुनो। गोविंद चरण पर चरण चढ़ाए लेते हुए हैं, उस समय उद्धव को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया है और उद्धव को बताया है कि उद्धव हम भागवत में निवास करेंगे, जो भागवत कहेंगे सुनेंगे उन्हें मेरा सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा, ये भगवान ने आश्वासन दिया। और उद्धव को कहा तुम जाओ बद्रिकाश्रम की ओर तीर्थाटन करो। इधर जरा नाम के व्याध ने बाण मार दिया, भगवान का पद्म फट गया, जरा रोने लगा। भगवान बोले जरा रो नहीं, तुम पूर्व जन्म के बाली हो, मैंने तुम्हारा बदला चुकाया है, धर्म हेतु अवतरियों को साई मारे हो मोहि व्याध की नाई, मैंने बदला दिया है, जाओ अर्जुन को भेज दो। अर्जुन आए रोने लगे, भगवान बोले 125 वर्ष हमारी तुम्हारी लीला हुई है और मैं सुधाम जाना है, तुम नर हो मैं नारायण हूं, लीला पूर्ण हुई है, आगे कलयुग आने वाला है,
अब हम सुधाम जाएंगे और तुम शेष बचे जो वेट द्वारिका में जो शेष बचे हैं बालक वृद्ध महिलाएं इनको लेकर के देखिए 7 दिन बाद बोले द्वारिका डूब जाएगी। अभी जो शेष बचे यदुवंशी बालक वृद्ध महिलाएं नहीं लेकर मथुरा चले जाओ और मेरे प्रपौत्र बज्रनाभ का राज्याभिषेक मथुरा की राजगद्दी पर कर देना। अर्जुन उन्हें लेकर चले, अर्जुन को अभिमान था ये कार्य मैं ही कर सकता था। तो मार्ग में माया रूपिणी भील सेना ने अर्जुन के देखते नारियों के आभूषण लूट लिए, अर्जुन के बाण नहीं चले। ये बल भगवान का था। सांडिल्य मुनि द्वारा बद्रीनाथ का राज्याभिषेक कराकर परीक्षित को राज्य देकर पांडव स्वर्गारोहण कर गए। इधर भगवान अपने स्वरूप में स्थित हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान गरुण जी पर बैठे और अपने वैकुंठ धाम और भक्तों के हृदय में पधारे। कुले द्वारिकाधीश भगवान की जय। 7वें दिन का सायंकाल श्रृंगी ऋषि द्वारा प्रेरित तक्षक नांग आया, राजा परीक्षित को डसा। परीक्षित का वो शरीर वहीं भस्म हुआ। ऋषिमद् भागवत कथा के श्रवण फल स्वरूप दिव्य चतुर्भुज रूप परीक्षित को प्राप्त हुआ और वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलो परीक्षित महाराज की। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। इस कथा के परीक्षित श्याम किशोर जी मिश्र और श्रीमती मंजू जी वाजपेयी जो ललित वाजपेयी के चाचा श्री हैं, सप्ताह भागवत बड़े भाव से परीक्षित में सुनी है। इन्हें परीक्षित भागवत श्रवण का फल प्राप्त हो ऐसी अनुशंसा है। हमारे लक्ष्मीनारायण यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा सेवा समिति के जो सदस्य पदाधिकारी गण हैं बहुत अथक श्रम महीनों पहले से करते हैं और इस कार्यक्रम को सुचारुता देते हैं और सनातन धर्मावलंबी भक्तों के लिए एक महान यज्ञ के रूप में ये प्रतिवर्ष आयोजन हो रहा है। 11वां महोत्सव पूर्ण हो रहा है। समिति को भी बहुत आशीर्वाद है। पशुपति नगर यशोदा नगर और कानपुर महानगर के दूर दूर क्षेत्रों से आए हुए सभी भक्तगण हमारे आचार्यगण जो स्वयं कथावाचक हैं ऐसे विद्वान वो सब पधारे हुए हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और भक्तगण हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें इतनी भीषण शीत में भी इतनी भारी संख्या में समिति ने अब की बार हर वर्ष से देवड़ा पंडाल बनवाया तो यहाँ के श्रोताओं ने उस पंडाल को पूरा भर दिया है और ये बताया है कि हमारी भक्ति निरंतर बढ़ रही है, घट नहीं रही है, निरंतर भक्ति बढ़ रही है ऐसा भाव। तो और समिति को चेतावनी भी ये दे रही है कि अगले वर्ष और बड़ा बनाइए क्योंकि अगले वर्ष तो दुगनी संख्या में आने की इनकी ऐसी भावना है। तो हमारे समिति में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अब नवयुवक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो देखिए अभी तो परीक्षित जी पूजन करेंगे और इनकी 50वीं वर्षगांठ है तो हमारा आशीर्वाद तो है ही इनका उनके लिए पूरा। तो समाज को समिति को सभी श्रोताओं को मैं आचार्य पंडित रामबाबू द्विवेदी मयंक को देखिए सन 76 से हमने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की थी तो 42 वर्ष होने जा रहे हैं निरंतर भगवान की सेवा करते हुए। तो पशुपति नगर के पावन इस पंडाल में मैं आचार्य पीठ से व्यास रूप में आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। शिखरणी छंद में बहे जोलो गंगा अबनी तल पर सुषमा मई अमंदम आनंदम मले वसुधा तल पर बहे वासुकी वासुकी के फण पर
फबी जो लो या वशुमती रहे तो लो कीर्तिम सुयश भूतल परवर विदम स्वस्थ स्तुते कुशल रस्तु चिरायुरस्तु गोबाधि हस्ति धन धाम समृद्धि रस्तु ऐश्वर्य मस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु संतान वृद्धि सहिता शिव भक्त रस्तु जब तक नभ में चंद्र सूर्य जब तक गंगा की धारा है सुख संपत्ति से संपन्न रहो ये आशीर्वाद हमारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम चंद्र अविनाशी आरती राम चंद्र अविनाशी मंगल में वैकुंठ निवासी मंगल में वैकुंठ निवासी आरती राघव राम जान की आरती राम जानकी आरती राघव राम जानकी आरती राघव राम जानकी अनुज सहित श्री हनुमान की अनुज सहित श्री हनुमान की लंका पति कपि पति सुजान की लंका पति कपि पति सुजान की जाम्बवंत अंगद बलराशि जाम्बवंत अंगद बलराशि आरती राम आरती राम चंद्र अविनाशी आरती राधा कृष्ण मुरारी आरती राधा कृष्ण मुरारी सहित गोपिका श्री बनवारी सहित गोपिका श्री बनवारी मुरली बजावत मुरलीधर की मुरली बजावत मुरलीधर की आरती की जय हर हल हर की और हमारे बीच में जय हर 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 की हमारे भागवत पंडाल के मध्य में हमारे बड़े ही जनप्रिय पूर्व सांसद श्री अनिल शुक्ल जी वारसी और वर्तमान में कई बार विधायक रह चुकी श्रीमती वर्तमान में विधायक हैं श्रीमती प्रतिभा जी शुक्ला का पदार्पण व्यास मंच पर हो रहा है। व्यास भागवत का पूजन व्यास भगवान का पूजन भागवत भगवान का पूजन के करकमलों से होगा। माला रखे हैं आप भागवत को पहना दो माला भागवत का पूजन हमारे अनिल शुक्ल जी वारसी और श्रीमती प्रतिभा शुक्ला विधायक के द्वारा किया गया आरती होगी। अब आरती राम चंद्र अविनाशी आरती राम चंद्र अविनाशी मंगल में वैकुंठ
आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, सहित गोपिका श्री बनवारी, सहित गोपिका श्री बनवारी, मुरली बजावत मुरलीधर की, मुरली बजावत मुरलीधर की, भारत की जय हरि हलधर की, आरती की जय हरि हलधर की, आरती रमा रमण सुख राशि, आरती रमा रमण सुख राशि, आरती रामचंद्र अविनाशी, आरती रामचंद्र अविनाशी, आरती भोले शिव वरदानी, आरती भोले शिव वरदानी, आशुतोष प्रभु अवधर दानी, आशुतोष प्रभु अवधर दानी, आरती जय गिरिराज कुमारी, आरती जय गिरिराज कुमारी, शैलसुता भगतन हितकारी, शैलसुता भगतन हितकारी, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम के, भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद परमानंद रूप रसमय कल, परमानंद रूप रसमय कल, तथाय किंचन प्रिय सुजान के, तथा किंचन प्रिय सुजान की, पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, वृंदावन में बजत बधाई, वृंदावन में बजत बधाई, पशुपति नगर में बजत बधाई, पशुपति नगर में बजत बधाई, यशोदा नगर में भजत बधाई, सोनगर में भजत बधाई, जो राधे श्याम जी की आरती गावे, जो राधे श्याम जी की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे, वैकुंठ परम पद पावे,